हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेजीज फूड कोर्ट। वेजीज फूड कोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम हमारे फूड कोर्ट में बनाने जा रहे हैं व्रत यानी कि उपवास में खाए जाने वाली एक स्वीट रेसिपी, हलवा। न आलू न आटा, इस हलवे को हम बनाएंगे शकरकंद से। जो आलू या आटा नहीं खाना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया लज्जतदार रेसिपी है, ये देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। शकरकंद का हलवा बनाने के लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के शकरकंद लिए हैं। उसे उबाल के उसका छिलका निकाल के उसका मावा बना दिया है। अगर मेजरिंग कप से नापे तो 200 ml का मेजरिंग कप है, वो 1.5 कप भर के ये मावा है। इसकी शिकाय करने के लिए ये 1.5 कप मावे के सामने मैंने 2 टेबलस्पून जितना घी लिया हुआ है और 100 ml का जो मेजरिंग कप है वो पूरा भर के यानी कि 100 ml जितना दूध लिया है। 2 से 2.5 टेबलस्पून शक्कर लिया है। आप जिस तरीके से मीठा कम ज़्यादा खाते हैं शक्करकंद आप एडजस्ट कर सकते हैं। इलायची डालेंगे सुगंध के लिए। आइए हलवा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नॉनस्टिक पैन में घी डालेंगे, गैस फ्लेम ऑन करेंगे और घी को गर्म करेंगे। घी गर्म हो गया है, अभी जो शक्करकंद का मावा हमने बनाया है वो इसमें डालेंगे। घी गर्म है और इस तरीके से चम्मच से थोड़ा सा उसको ब्रेक कर देंगे। शकरकंद ऑलरेडी हमने उबाल के लिया हुआ है, पका हुआ है, तो आटे की तरह ज़्यादा शेकने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मावा हमने लिया है शकरकंद का वो घी से अच्छे से कोट हो जाए और सारा ही सारा घी जो है वो मावे में एब्जॉर्ब हो जाए, तब तक हमें इसका शिकाय करना है। 4 से 5 मिनट तक इस तरीके से इसका भुनाई करेंगे और फिर ये तैयार हो जाएगा। शकरकंद का मावा शेक चुका है घी में, अब इसमें हम दूध डालेंगे। दूध डाल के मावा और दूध को अच्छे से मिक्स करना है और ध्यान रहे इसके लम्स ज़्यादा ना रहे, जब तक कि मावा दूध को एब्सॉर्ब कर ले और बहुत अच्छे से थोड़ा गाढ़ा वापस से हो जाए तब तक हमें इसे मिलाते हुए इस तरीके से हिलाना है। इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए जब तक कि सारा दूध हलवे में एब्जॉर्ब ना हो जाए और जो हमारा शकरकंद का मावा है वो गाढ़ा हो के पैन को छोड़ने लगे, तब तक हमें इस तरीके से गोल गोल एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स करना है। ये देखिए धीरे धीरे से ये अभी पैन छोड़ने लगा है और एकदम से गाढ़ा होने लगा है। दूध अगर कच्चा रहा तो हलवा बिगड़ने का चांस रहता है। इस तरीके से पकाने से दूध है वो पक जाता है और हलवा बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए हम इसमें दूध डालते हैं। अब ये पैन छोड़ने लगा है, इस स्टेज पे हम इसमें शक्कर डालेंगे। 2.5 टेबलस्पून शक्कर जो हमने लिया था वो डालेंगे। शक्कर डालने के बाद इसे मिक्स करना है और हलवा वापस से गीला हो जाता है तो इसे वापस से 5 से 7 मिनट तक पकाना है, जब तक कि शक्कर का पानी सारा छूट जाएगा और हलवा वापस से वही कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा जब दूध डालने के बाद हमें पैन छोड़ने के बाद हमें उसे लाया था। तो हलवा की कंसिस्टेंसी वापस से गाढ़ी होनी चाहिए, इसलिए इस तरीके से मिलाते हुए हम इसे चलाते रहेंगे। 5 से 7 मिनट से वापस से कुक करना है। ये देखिए अभी वापस से हलवा पैन छोड़ रहा है और साइड से घी भी निकलता हुआ आपको दिख रहा है। गैस फ्लेम ऑफ करेंगे और अभी इलायची पाउडर डाल के इसे एक बार वापस से मिक्स कर लेंगे। हलवा रेडी है, अब इसे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। बादाम और काजू से इसे सजाएंगे इस तरीके से। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल के इसे सजा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वेजेस फूड कोर्ट में आज की हमारी रेसिपी शकरकंदी का हलवा तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट में लिख के बताइए कि आप जब बना रहे थे तो ये हलवा आपसे कैसा बना और आपको ये कैसा लगा। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई नई रेसिपीज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।